हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक हैंड बैग बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह से मैंने एक हैंड बैग बनाया है। तो उसमें यहाँ साइड में मैंने एक पॉकेट लगाया है, तो इस तरह से बाहर एक साइड में पॉकेट आएगा। और यहाँ ऊपर मैंने दो जिप लगाई है इस तरह से। और उसके अंदर भी मैंने एक छोटा सा पॉकेट लगाया इस तरह से, फोल्ड पॉकेट। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करो और आगे शेयर भी करो। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करो और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसमें मैंने ऐसा ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया, जो इस तरह का ब्रॉकेट का फैब्रिक है। और इसका माप यहां मैंने 15 इंच का लिया है। और यहां मैंने 10 इंच का लिया है। तो इस तरह से 15 बाय 10 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और 15 बाय 10 इंच की दो रबर सीट लेनी है। और इसी माप का 15 बाय 10 इंच का 4 अस्तर लेना है हमें, 1 2 3 4। तो 15 बाय 10 इंच का हमें दो कटिंग लेना है, दो रबर सीट लेनी है और 4 अस्तर लेना है हमें। इस तरह से 15 बाय 10 इंच का हमें कटिंग कर लेना है। और उसके ऊपर मैं ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा, जो इस तरह का प्लास्टिक लेमिनेशन है, उसका भी माप सेम वही है, 15 बाय 10 इंच का। और आपके पास ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो बिना प्लास्टिक से भी आप हैंडबैग बना सकते हो। और इसमें जो तलिया लगाऊंगा, तलिया का माप यहाँ मैंने 11 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। तो इस तरह से 11 बाय 5 इंच का हमें एक तलिया का कटिंग करना है। उसमें नीचे मैंने अस्तर रखा है, उसके ऊपर रबर शीट, उसके ऊपर यह ब्रॉकेट का फैब्रिक और उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर मैंने तलिया तैयार किया हुआ है। और उसमें जो हैंडल लगाऊंगा, हैंडल का माप यह मैंने 24 इंच का लिया है। इस तरह से 24 इंच का एक कटिंग लेना है। यहाँ मैंने 24 इंच रखा है और यहाँ मैंने 3.5 इंच का लिया है। तो 24 बाय 3.5 इंच का हमें दो कटिंग करना है। इस तरह से दो कटिंग किया है मैंने। और उसमें बाहर जो पॉकेट लगाऊंगा, जो बाहर की जिप आएगी, साइड में पॉकेट आएगा, वो जिप का माप यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है। तो ये 15 इंच की एक जिप लेनी है, बाहर पॉकेट में आएगा। और ऊपर जो जिप लगाऊंगा, ऊपर दो जिप लगाऊंगा, वो जिप का माप यहाँ मैंने 12 इंच का लिया है। तो 12 इंच की हमें दो जिप लेनी है, वो जिप हमें ऊपर लगानी है, दोनों जिप। और ये जिप के साथ जो फैब्रिक की पट्टी लगाऊंगा, जिप पट्टी में, उसका माप, ये फैब्रिक का माप यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है, ब्रॉकेट का फैब्रिक ही लिया है। और यह मैंने 1.5 इंच का लिया है। तो 15 बाय 1.5 इंच का हमें तीन कटिंग करना है, तीन पट्टी का कटिंग करना है। मैंने तीन पट्टी का कटिंग किया है। तो अब हमें पार्ट तैयार कर लेना है। तो पहले रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर यह ब्रॉकेट का फैब्रिक रखना है हमें। इस तरह से ब्रॉकेट का फैब्रिक रख देना, उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है। और अब यहाँ चारों तरफ हमें सिलाई करनी है, तो पूरे स्क्वायर में मैं सिलाई कर लेता हूँ। पहले नीचे रबर शीट रखनी, उसके ऊपर ये फैब्रिक और उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है इसलिए यहाँ ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा रहा हूँ। ये जो हमारा मशीन का ऑयल होता है, वही ऑयल लगाता हूँ।
ये प्लास्टिक के ऊपर ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है, इसलिए। तो इस तरह से हमें पूरे स्क्वायर में हमें सिलाई कर देनी है, तो यह मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से चारों तरफ सिलाई कर देनी है, और यहाँ साइड में जो रबर शीट और ये प्लास्टिक लेमिनेशन और फैब्रिक ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। उसमें भी पहले रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर ये फैब्रिक रखना है, और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन रखकर यहाँ भी हमें पूरे स्क्वायर में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे मैं पूरे स्क्वायर में सिलाई कर देता हूँ। इस तरह से पहले रबर शीट रखी, उसके ऊपर फैब्रिक और उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन, और यहाँ भी मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैं दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेता हूँ चारों तरफ सिलाई करके। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है, तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। जो हमारा दोनों पार्ट का माप यहाँ हमारा 15 इंच का है और यहाँ हमारा 10 इंच का है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। और अब यहाँ हमें जिप लगानी है, तो यहाँ हमें ऊपर से हमें कटिंग करना है। तो यहाँ ऊपर से हमें कटिंग करने के लिए पहले नीचे से माप कर लेना है। नीचे से हमें 7.5 इंच का माप रखना है और ऊपर से 2.5 इंच का माप रखना है, और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच का माप रखा है और यहाँ नीचे मैंने 7.5 इंच का माप रखा है, और अब यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से अच्छे तरीके से माप कर लेना है, फिर हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ हमें जीप लगा देनी है, तो इस तरह से यहाँ हमें जीप रखनी है। तो ये जो जीप है हमारी उल्टी रखनी है, इस तरह से जो हमने पार्ट कटिंग किया है उसके ऊपर हमें इस तरह से उल्टी जीप रख देनी है। और यहाँ साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है, तो यहाँ साथ में ऊपर अस्तर रख देना है, जीप के ऊपर अस्तर रखना है, नीचे हमें पार्ट रखना है, उसके ऊपर जीप और उसके ऊपर अस्तर। तो इस तरह से हमें तीनों एक साथ में रखकर सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है, इस तरह से हमें प्रेस करके अंदर की साइड अस्तर मोड़ कर यहाँ ऊपर भी हमें एक सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमारी सिलाई अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो यहाँ ऊपर भी मैं एक सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ भी हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है, ताकि जो नीचे का अस्तर है वो सिलाई में आ जाए, इसलिए। और अब यहाँ नीचे का जो ज़्यादा अस्तर है वो हमें कटिंग कर लेना है, वो हमें ऊपर की साइड लगाना है, इसलिए। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब ये जो ऊपर की पट्टी है वो हमें ले लेनी है, इसके साथ हमें जीप लगा देनी है, जो हमने कटिंग की थी वही पट्टी है। तो उसके ऊपर भी हमें इस तरह से पार्ट है वो हमें उल्टा रख देना है, इस तरह से जीप हमारी उल्टी आएगी। ये पट्टी के ऊपर हमें जीप इस तरह से रख देनी है, और ये जो अस्तर हमने नीचे से कटिंग की है वही का अस्तर हमें ले लेना है, और जीप के ऊपर इस तरह से रख देना है, और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी हमारी जो सिलाई है वो अंडरग्राउंड हो जाएगी, यहाँ भी हमें तीनों एक साथ में रखकर सिलाई कर देनी है। और ये अस्तर भी हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है, इस तरह से।
और ये जो हमारी पट्टी है जो फैब्रिक की पट्टी वो भी ऊपर ले लेनी है, और यहाँ भी हमें एक सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारे यहाँ जिप लग गई है और ये पॉकेट बनकर तैयार हो गया है, जो सिलाई है वो हमारी अंडरग्राउंड हो गई है। और अब यहाँ ऊपर हमें दोनों पार्ट के ऊपर सेंटर पे निशान कर देना है, तो यहाँ मैं दोनों पार्ट के ऊपर यहाँ सेंटर पे निशान कर देता हूँ, तो ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब हमें हैंडल बना लेना है, तो जब फैब्रिक के साथ में प्लास्टिक लेमिनेशन लगा रहा हूँ, तो ये प्लास्टिक लेमिनेशन है उसके ऊपर हमें इस तरह से फैब्रिक रख देना है। प्लास्टिक लेमिनेशन मैंने यहाँ नीचे रखा है ताकि सिलाई करने में आसानी रहे इसलिए, और ये फैब्रिक ऊपर रखा है। यहाँ अस्तर और रबर सीट नहीं आती इसलिए मैंने प्लास्टिक लेमिनेशन नीचे रखा है, ऊपर फैब्रिक रखा है। और यहाँ पूरे स्क्वायर में चारों तरफ में सिलाई कर देता हूँ। प्लास्टिक लेमिनेशन है इसलिए यहाँ सिलाई लगानी ज़रूरी है, और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो ऐसे सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सीधा हैंडल ही तैयार कर लेना पड़ता है हमें। तो इस तरह से मैं दोनों हैंडल बना लेना, जो इस तरह से मैंने दोनों हैंडल बना लिया है। और अब ये दोनों पार्ट के ऊपर हमें हैंडल लगा देना है, तो यहाँ पहले निशान कर लेना है हैंडल का, तो यहाँ सेंटर पे निशान करना है। सेंटर पे हमारा 7.5 इसका निशान है, हमने पहले लग किया था, तो यहाँ सेंटर से हमें 4 इस पे निशान कर देना है। यहाँ हमारा सेंटर है, यहाँ सेंटर से हमें 4 इस पे निशान कर देना है, और यहाँ हमें 8 इस पे निशान कर देना है। तो हमारा जो हैंडल का बीच का गैप है वो हमारा 8 इसका रहेगा। तो इसी तरह दूसरे पार्ट में भी हमें हैंडल का निशान कर देना है, यहाँ सेंटर से हमें 4 इस पे निशान कर देना है। यह हमारा सेंटर है, सेंटर से 4 इस पे मैं निशान कर देता हूँ। और यहाँ 8 इस पे निशान कर देना है। और अब हमने जो निशान किया है वहाँ में हैंडल लगा देना है निशान के ऊपर, तो यहाँ जो इसका निशान है इसके ऊपर मैं हैंडल लगा देता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी, हमें दूसरे पार्ट के साथ भी ये हैंडल लगा देना है, तो यहाँ दूसरे पार्ट में भी मैं हैंडल जोड़ देता हूँ। और अब हमें जिप पट्टी बना लेनी है, तो पहले हमें दोनों जिप लेनी है, और दोनों जिप के एक साइड में फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है ताकि जो हमारा रनर है वो बाहर ना निकल जाए, तो जो हमारा रनर है इस तरह से बंद होता है और यहाँ हमारा खुलता है इस तरह से, तो यहाँ ऊपर हमें लगानी है, एक साइड नहीं लगानी है, तो एक साइड हमें लगानी है इस तरह से, जो हमारा रनर जिस तरह से बंद होता है वहाँ से हमें ये पट्टी लगानी है। तो इस तरह से हमें पट्टी के ऊपर ये जिप रख देनी है, तो दोनों जिप के साथ हमें पट्टी लगा देनी है, तो ये दोनों जिप के साथ में पट्टी लगा देता हूँ। और अब ये पट्टी को हमें इस तरह से यहाँ ऊपर की साइड मोड़ देनी है, और अंदर एक बार मोड़नी है हमें, और इस तरह से यहाँ हमें पक्की सिलाई कर देनी है। यहाँ हमारा पक्का हो जाएगा, पाइपिंग हो जाएगी यहाँ। तो इस तरह से हमें दोनों जिप के साथ ये पट्टी लगा देनी है ताकि जो हमारा रनर है यहाँ से बाहर ना निकल जाए, इसलिए यहाँ पट्टी लगाई है मैंने। अब ये जो दोनों पट्टी है उसमें एक साइड से हमें एक बार मोड़कर यहाँ सिलाई कर देनी है, तो यहाँ मैं इसको एक साइड मोड़कर यहाँ सिलाई कर देता हूँ,
तो इस तरह से हमें दोनों पट्टी के साथ एक साइड में एक बार मोड़कर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ इस तरह से मैंने दोनों पट्टी को इस तरह से एक साइड में एक बार मोड़कर सिलाई कर दी है। और अभी अस्तर के साथ हमें जिप लगा देनी है। जेब पट्टी यहाँ हमें अस्तर के साथ तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पहले हमें सेंटर पे निशान कर देना है। अस्तर का माप हमारा 15 इंच का है, तो यहाँ सेंटर पे हमें 7.5 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ हमें 7.5 इंच पे निशान कर दे, और यहाँ जिप को भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। जो हमारी जिप 12 इंच की है, तो हमें 6 इंच पे निशान करना है। तो यहाँ ऊपर से हमें 1 इंच का गैप रखना है। तो पहले ये जो 12 इंच की हमारी जिप है, वहाँ सेंटर पर निशान कर लेता हूँ 6 इंच पे। तो यह दोनों सेंटर मिला लेना है हमें, अस्तर का और जीप का। और यहाँ ऊपर से हमें 1 इंच का गैप रखना है। तो यहाँ मैं 1 इंच पे निशानी कर लेता हूँ, ताकि हमारी जो जीप है वो नीचे या ऊपर ना हो जाए इसलिए। तो यहाँ ऊपर से हमें 1 इंच पे निशान कर लेना है, और यहाँ 1 इंच का गैप रखकर हमें ये जीप लगा देनी है। पहले हमें दोनों सेंटर मिला लेना है, अस्तर का और जीप का, फिर यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ, और ये यहाँ ये जीप लगा देता हूँ। और अब यहाँ से मैं जिप को खोल लेना है, इस तरह से आधी जिप खोल लेनी है, और यहाँ हमें अंदर मोड़ देना है। इस तरह से एक बार मोड़ कर अंदर हमें सिलाई कर देनी है। और अब हमें यहाँ ये पट्टी लगा देनी है, जो हमने पट्टी तैयार की थी, दोनों पट्टी, उसमें से एक पट्टी हमें यहाँ लगा देनी है जिप के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ जिप की जो सिलाई है, उसकी सिलाई के ऊपर ही हमें पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ मैं पट्टी लगा देता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरे अस्तर के साथ हमें दूसरी जिप लगा देनी है। तो यहाँ भी अस्तर में हमें सेंटर पे निशान कर देना है, जो हमारा 15 इंच का माप है। तो यहाँ 7.5 इंच पे हमें निशान कर देना है सेंटर पे। और ये जिप भी हमारी 12 इंच की है, तो यहाँ भी हमें सेंटर पे 6 इंच पे निशान कर देना है। जिस तरह से हमने पहली जिप लगाई, इसी तरीके से हमें दूसरी जिप भी लगानी है। तो यहाँ भी हमें ऊपर से 1 इंच पे निशान कर देना है। ऊपर से हमें 1 इंच का गैप रखना है, 1 इंच नीचे हमें ये जिप लगानी है, इसलिए यहाँ 1 इंच पे मैं निशान कर लेता हूँ। तो हमने पहली जिप लगाई थी, वो हमें इस तरह से रखी थी। तो ये जो दूसरी जिप हमें इस तरह से रखनी है, यहाँ से हमें ऊपर से खोलना है। तो यहाँ सेंटर पहले मिला लेना है, और यहाँ ऊपर से हमें खोल लेना है इस तरह से जिप को, और यहाँ एक बार मोड़ देना है हमें जिप को, हमें अंदर एक बार मोड़ना है, और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है इस तरह से। और यहाँ भी हमें दूसरी पट्टी रख देनी है इसके ऊपर, यहाँ हमें इसके ऊपर रखकर ऐसे सिलाई कर देनी है। यहाँ हमें दूसरी पट्टी लगा देनी है जिप के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। और अब हमें पॉकेट बना लेना है, जो छोटा पॉकेट है वो अंदर का फोल्ड पॉकेट, वो हमें बना लेना है। तो इस तरह से यह पॉकेट के साथ ये जिप लगा देनी है। तो यहाँ मैं जिप लगा देता हूँ।
तो इस तरह से मैं अंदर का पॉकेट तैयार कर लेना, जो इस तरह से मैंने अंदर का पॉकेट बना लिया, सिंपल सा पॉकेट है। और अब ये हमें तीसरा स्तर लेना है, तीसरे स्तर के साथ हमें पॉकेट जोड़ देना है सेंटर पे। तो यहाँ बीचों बीच में सेंटर पे ये पॉकेट लगा देता हूँ, इस तरह से पॉकेट रखकर यहाँ सिलाई करके अस्तर के साथ हमें जोड़ देना है। जो हमारा तीसरा पॉकेट है बीच में आएगा दोनों जिप के बीच में, यहाँ हमें पॉकेट लगा देना है। तो यहाँ मैं पॉकेट लगा देता हूँ। और अब यहाँ हमने जो पहले दोनों अस्तर के साथ जो जिप लगाई थी, जो जिप हमने तैयार की थी, वो यहाँ हमें लगा देनी है। तो इस तरह से हमें जिप रखनी है, जो हमारी पट्टी और अस्तर है इस तरह से कर देना है। और ये ऊपर की जिप है हमें इस तरह से पकड़ लेनी है और यह अस्तर के साथ हमें जोड़ देनी है। यहाँ भी हमें सेंटर मिला लेना है, दोनों अस्तर में मिला लेना है। यहाँ से हमें अस्तर के साथ ये जो जिप है वो हमें इस तरह से रख कर यहाँ सिलाई कर देनी है। इस तरह से हमें जो बीच वाला अस्तर है इसके साथ हमें दोनों जिप जोड़ देनी है। तो पहले मैं एक जिप जोड़ देता हूँ। यहाँ से जिप को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है, इस तरह से बाहर की साइड फोल्ड कर देना है। और इसी तरह हमें दूसरी जिप ले लेनी है, जो दूसरा अस्तर है जिप वाला वो हमें ले लेना है। तो उसमें भी जो जिप हमारी इस तरह से पकड़ लेनी है हमें। और ये जो बीच वाला अस्तर है जो हमने पहली जिप लगाई उसके साथ हमें दूसरी साइड में दूसरी जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें दूसरी साइड ये दूसरी जिप रख देनी है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। दोनों जिप एक साथ रखकर भी हमें सिलाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो अलग अलग जिप रखकर अलग अलग सिलाई करने से हमें आसानी रहती है, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग सिलाई की है। यहाँ भी जो हमारी जीप है वो बाहर की साइड मोड़ देनी है, इस तरह से यहाँ मोड़ कर सिलाई कर देनी है ऊपर। और यहाँ भी हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। जो तीसरी पट्टी है हमें यहाँ लगा देनी है, यहाँ ऊपर रख देनी है। और ये जो दोनों जिप है उसके ऊपर हमारी यहाँ फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग हो जाएगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। और अब ये पट्टी को मैं ऊपर की साइड मोड़ देनी है और अंदर एक बार मोड़ कर यहाँ पक्का कर लेना है। तो यहाँ भी हमारी पाइपिंग हो जाएगी। तो इस तरह से मैं यहाँ ये पट्टी को ऊपर मोड़ लेता हूँ और अंदर एक बार मोड़ कर सिलाई कर देता हूँ। यहाँ जो हमारी सिलाई है वो सभी अंदर गर्म हो जाएगी। ये जो रनर है वो उसका हमें ध्यान रखना है, सुई में ना आ जाए इसलिए। तो इस तरह से हमें अस्तर के साथ ये जीप पट्टी तैयार कर लेनी। तो इस तरह से मैंने जीप भी लगा दी और पट्टी भी लगा दी है। जो हमारा बीच का अस्तर आ गया है, दोनों साइड ऊपर की जीप आ गई है, इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमारा अस्तर हो जाएगा। ये एक साइड की जीप है और ये बीच वाला अस्तर है और ये दूसरे ऊपर का अस्तर है और साइड अंदर ये पॉकेट भी हो गया है। तो इस तरह से हमें दोनों जीप का अस्तर हमें तैयार कर लेना है। तो इस तरह से है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसलिए मैं इस तरह से दिखाता हूँ। और अब हमारा जो पार्ट है उसके साथ हमें अस्तर जोड़ देना है, दोनों पार्ट के साथ। तो पहले हमें ये पार्ट लेना है, कोई भी एक पार्ट लेना है, उसके साथ हमने जो जीप तैयार की है वो अस्तर हमें यहाँ लगा देना है। तो इस तरह से हमें पार्ट रखना है और ये जो हमारा अस्तर है जो जीप तैयार की है वो हमें उसके ऊपर रख देनी है।
तो इस तरह से हमें अस्तर उल्टा कर देना है और यहाँ हमें ऊपर की साइड में जोड़ देना है। ऊपर से हमें दोनों, ये जो नीचे का पार्ट है वो और ये अस्तर वाला, वो दोनों जोड़ देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ सिलाई करके ये पार्ट के साथ ये जीप वाला अस्तर जोड़ देता हूँ। तो उसी तरह हमें दूसरा पार्ट लेना है। दूसरे पार्ट के साथ हमें दूसरी साइड का अस्तर जोड़ देना है। जो दूसरी साइड का अस्तर है, जिप वाला अस्तर, वो हमें दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरह से यहाँ ऊपर रख देना है और यहाँ सिलाई करके जोड़ देना है हमें। और अब यहाँ दोनों पार्ट हमें मिला लेना है और तीनों अस्तर भी हमें मिला लेना है। और ये दोनों पार्ट मिलाकर यहाँ साइड में सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ से जो हमारी सिलाई है वो सिलाई मिला लेनी है, अस्तर की सिलाई और पार्ट की सिलाई, दोनों सिलाई मिला के यहाँ साइड में सिलाई करके जो दोनों पार्ट है हमें जोड़ देना है। तो यहाँ से मैं सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देता हूँ। तो इसी तरह दूसरी साइड भी हमें दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ भी ये दोनों सिलाई मिला लेनी है। तो यहाँ दोनों सिलाई मिला कर यहाँ दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट हमें मिला लेना है, जो इस तरह से मैं मिला लेता हूँ। और यहाँ भी हमें साइड में सिलाई करके ये दोनों पार्ट जोड़ देना है, यहाँ से पैक कर देना है। और अब ये जो हमारा तीनों अस्तर है, तीनों अस्तर एक साथ रख कर यहाँ सिलाई करके ये तीनों अस्तर जोड़ देना है हमें। बीस वाला अस्तर भी हमें साथ में ही रखना है। बीस में रख कर हमें ये तीनों अस्तर एक साथ रख कर यहाँ साइड में सिलाई करके ये जोड़ देना है। तो यहाँ भी मैं तीनों अस्तर एक साथ रख कर मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ सिलाई कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें तीनों अस्तर एक साथ रख कर ये जोड़ देना है। तो यहाँ भी मैं तीनों अस्तर एक साथ रख कर जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ से इस बैग को मैं पलटा लेना है। तो इस तरह से मैंने पलटा लिया, अस्तर में अंदर की साइड रख देना है, इस तरह से अंदर की साइड कर देना। और यहाँ से जिप को हमें खोल लेना है, दोनों जिप को खोल लेना है और यहाँ पूरे राउंड में हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से अच्छी तरीके से अस्तर रख देना है और यहाँ ऊपर राउंड में सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर मैं पूरे राउंड में सिलाई कर देता हूँ। यहाँ से सिलाई शुरू करनी है तो यहाँ से मैं सिलाई शुरू कर देता हूँ। तो इस तरह से पूरे राउंड में मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं पूरे राउंड में सिलाई कर देनी, जो इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। और अब यहाँ नीचे जो अस्तर खुला है वहाँ भी मैं सिलाई कर देनी है।
तो यहाँ नीचे का जो अस्तर खुला है वहाँ सिलाई करके मैं यहाँ पैक कर देता हूँ। और अब यहाँ नीचे दोनों पार्ट के साथ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ से जो हमारी सिलाई है वो सिलाई मिला लेनी, सामने सामने रख देनी है और ये दोनों साइड में यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है हमें। तो यहाँ दोनों साइड में मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और नीचे यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है, तो मैं पाइपिंग तैयार कर लेता हूँ। तो ये जो ब्लैक कलर की पाइपिंग है, रबर की पाइपिंग है, उसके साथ में गोल्डन पट्टी लगा देता हूँ। तो इस तरह से गोल्डन पट्टी है, उसके ऊपर में इस तरह से रखकर गोल्डन पट्टी लगा देता हूँ। और आपके पास ऐसी गोल्डन पट्टी नहीं है तो आपको जो अच्छा लगे उस कलर की पट्टी आप यूज़ कर सकते हो। और अब यहाँ नीचे हमें पाइपिंग लगा देनी है पूरे राउंड में। तो यहाँ जो हमारा सेंटर का निशान था वो सेंटर से ही हमें पाइपिंग लगानी शुरू करनी है। तो यहाँ सेंटर से ही मैं पाइपिंग लगानी शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ इस तरह से पूरे राउंड में हमें पाइपिंग लगा देनी है, तो पूरे राउंड में मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। और यहाँ नीचे मैं दूसरे कलर का धागा यूज़ कर लेता हूँ, दूसरा कलर का धागा बदल देता हूँ। तो यहाँ मैं ब्लैक कलर का धागा यूज़ कर देता हूँ, ब्लैक कलर का धागा ले लेता हूँ, क्योंकि जो मैं तलिया लगाएंगे तब हमें आसानी रहेगी इसलिए। तो नीचे मैं ब्लैक कलर का धागा लिया है। जो ब्लैक कलर का धागा है वो हमें अच्छी तरीके से दिखेगा तलिया लगाने में, उसी सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है तलिए में, इसलिए मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर लिया है। तो इस तरह से मैंने पूरे राउंड में पाइपिंग लगा दी है।
और यहाँ नीचे जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पूरे राउंड में जो ज़्यादा पाइपिंग के नीचे जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें तलिया लगा देना है। जो तलिए का सेंटर का निशान है वहाँ हमें सेंटर का निशान मिला कर ये हमें तलिया लगाना है। तो जो मार्क से मैं निशान आपको दिखा देता हूँ, यह मैंने निशान तो करा हुआ है लेकिन फिर भी मैं मार्क से दिखा देता हूँ। तो ये जो चारों जगह हमारा तलिया का निशान है और ये जो हमारा पाइपिंग के नीचे भी हमने निशान किया हुआ था, ये जो यहाँ सेंटर का निशान है, तो ये तलिया का और ये दोनों सेंटर का निशान हमें मिला लेना है। तो यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। और ये जो हमने ब्लैक कलर का धागा यूज़ किया है, वो ब्लैक कलर का जो धागा है वो सिलाई है, वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है ताकि जो हमारी पाइपिंग है वो अंदर बाहर ना हो जाए, दब भी ना जाए और बाहर ना निकल जाए इसलिए। तो ये जो हमारा बैक का निशान है और ये हमारा तलिए का निशान है, तो ये दोनों निशान हमें मिला लेना है। और यहाँ हमें राउंड कर देना है, थोड़ा राउंड करना है इसलिए यहाँ हमें पाइपिंग को कट करना है। तो यहाँ राउंड में जो पाइपिंग आती है वहाँ मैं कट कर लेता हूँ। और अब यहाँ भी हमें दोनों निशान मिला लेना है, जो हमारा तलिया का निशान है और ये पार्ट का निशान है, दोनों निशान हमें मिला लेना है यहाँ। तो यहाँ निशान मिलाकर यहाँ भी हमें राउंड कर देना है। तो यहाँ भी मैं राउंड कर देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ भी हमें कट करना पड़ेगा, तो यहाँ भी मैं कट कर ले। और अब यहाँ भी हमारा बैक का निशान है, तो सिलाई है वो हमारे निशान है और ये इसके सामने हमारा तलिए का निशान है, वहाँ ये दोनों मिला लेना है। और ये पार्ट की सिलाई, बैक की सिलाई और ये तलिए का निशान दोनों मिलाकर यहाँ भी हमें राउंड करना है इसलिए यहाँ भी कट कर देना है। तो इस तरह से मैं तलिया लगा देना है और ये जो तलिए का ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यह कटिंग कर लिया है और अब इस बैग को हमें पलटा लेना है। जो हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है तो यहाँ से मैं इसको पलटा लेता हूँ। इस तरह से हमारा तलिया लग गया है। और यहाँ अंदर इस तरह से पॉकेट आ गया है हमारा।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा हैंड बैग बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से मैंने बना लिया, और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये हैंड बैग जरूर बनाएं, और आपसे कैसा बनते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे।